दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली पर आपने अपने घर को दीपक और लाइट से रोशन तो किया ही होगा, तो क्यों ना इस दिवाली आप अपने पोर्टफोलियो को भी चमका ले, मतलब अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह निवेश करें कि आपको आपके आगे के लाइफ में पैसों की तंगी ना हो और आप अपने भविष्य के लिए तैयार रहे। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित म्यूचुअल फंड्स हैं और हम फायदे के फंड्स के अपने एपिसोड्स में इसके बारे में ही आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक स्मार्ट और वेल अवेयर इन्वेस्टर बन सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। तो चलिए, देर किस बात की है, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जिन्हें काफी लंबे वक्त का अनुभव है इस फील्ड में। हमारे साथ जुड़े हैं क्षितिज महाजन जी, जो CEO है कंप्लीट सर्कल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्षितिज जी। डॉक्टर तन्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले मैं भी आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और इसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों में क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या नया ट्रेंड आप देखते हैं, क्या कुछ नया इस सेक्टर में आपको देखने को मिला है? इनफैक्ट डॉक्टर तन्वी, एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड है, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड बट इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेके हमने देखा है रुझान यंग पॉपुलेशन का एज वेल एज हमारी मिडिल क्लास मिडिल एज पॉपुलेशन का बढ़ा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप बात करते हैं तो मैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड, जैसे हम जी और AD डिफाइन करते हैं, ये एक ट्रांजिशन फेज है इंडिया का ग्रोथ की तरफ, इसको मैं डिफाइन करूंगा। उसमें प्री कोविड के 2.25 करोड़ यूनिक फोलियोस थे, आज 4 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियोस हैं। यूनिक का मतलब यूनिक पैन नंबर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्री कोविड को 3.5 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट्स हैं, 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं यूनिक। सो ये एक रुझान, एक ट्रेंड, बहुत पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टमेंट को देखे। और जब आपका रिटेल मार्केट, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, हमारे जब देश के लोग खुद देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी मार्केट के थ्रू, तो आपका जो लेंथ एंड ब्रेथ और डेप्थ जो मार्केट का बढ़ता है, आपकी डिपेंडेंसी ओवरऑल फॉरेन फ्लो पे कम होती है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एक साइन है। 5 साल पहले 6 साल पहले, या आप मान लीजिए लगभग 6 से 7 साल पहले, कोई सिप बुक 3,000 करोड़ मंथली की थी, आज वो सिप बुक 16,400 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास। तो एक ये बहुत ही अपने आप में पॉजिटिविटी है जहां हम देख रहे हैं। अभी अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, और हम 4 करोड़ म्यूचुअल फंड होल्डर को लेके खुश हो रहे हैं, 8 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर को लेके खुश हो रहे हैं, पर एक देश जिसकी 140 करोड़ है और इन्वेस्टेबल पॉपुलेशन को लगभग 40 करोड़ के आसपास है, मैं मानता हूँ कम से कम, तो उसमें अभी बहुत लंबा रास्ता है जो तय करना है हमें। और ये इंडिया का मूवमेंट है, इंडिया का टिकेट है, तो वेरी हैप्पी कि पार्टिसिपेंट्स हमारे भारतीय अपने इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट मिल रहा है। जी बिल्कुल क्षितिज जी, हमने आधे सफर को तय कर लिया है और आगे और भी सफर हमारा बाकी है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर बिज तक की यही कोशिश रहती है कि हम उन्हें लगातार जागरूक कर सके, उन्हें अवेयर कर सके कि किस तरीके से वो सेफ तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। अगला सवाल सीधे हम आम लोगों से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। अगर दिवाली के मौके पर किसी ने ये सोचा है कि इस बार वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें और 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार करने का वो प्लान लेकर चल रहे हैं, तो किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए और क्या एलोकेशन होना चाहिए उनका? सो डॉक्टर तन्वी, अगर 1 करोड़ का आप टारगेट कॉर्पस लेकर चल रहे हैं, आप सैलरीड हैं, देखिए इसमें 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो रूल ऑफ 15 होता है, मैं सिंपलीफाई करता हूँ, वो बताता है कि अगर आप 15,000 मंथली सिप करते हैं और 15% से आपका कॉर्पस ग्रो करता है और आप 15 साल के लिए करते हैं, तो आपकी 1 करोड़ की राशि मिल जाती है। ये कंपाउंडिंग फॉर्मूला में आप अगर डालेंगे तो आपको ये राशि मिल जाएगी। दूसरा ये है, अगर आपकी आज की आय जो है वो ज्यादा है, आप 50,000 तक सेव कर सकते हैं मंथली, तो यही राशि आपको अगले 9-9.5 साल में भी मिल सकती है, अगर आप इसको 15% से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी आय आज कम है और आप 10,000 ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो राशि तय करने के लिए आपको 20 साल लगेंगे अगर वो 12% से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। हम 12-15 के बीच में लगाते हैं कि 12% आपको लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड दे सकता है, क्योंकि हमारी नॉमिनल GDP 12% है। अब यहाँ पे समझिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, यू नो,
उनकी हमेशा सैलरी या इनकम ऐसी नहीं रहने वाली है। तो आप अपने को फोकस जब करते हैं तो स्टेप अप स्टेप की तरफ फोकस कीजिए कि आप कुछ राशि लगा रहे हैं और हर साल जब भी आपका कुछ इंक्रीमेंट लगता है, आय बढ़ती है, आप उस पे और स्टेप कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो 1 करोड़ की राशि आज आपको बड़ी लग रही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगले 15-20 साल में ये राशि भी छोटी होगी। तो आज जो यंग इंडिया है उसको तैयारी करनी है कि वो अगर जितना जल्दी शुरू करेगा उतनी जल्दी वो एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकता है अपने लिए। आपने पूछा किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, अगर राशि अगर किसी के पास बहुत बड़ा अमाउंट है अवेलेबल है जो इन्वेस्ट कर सकता है तो वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में कर सकता है। अगर कोई रेगुलरली एक लिमिटेड अमाउंट के साथ सेव करना चाहता है मंथली बेसिस पे तो वो 4 से 5 अच्छा एक बास्केट ले सकता है म्यूचुअल फंड का, जिसमें वो एक इंडेक्स फंड इंक्लूड कर सकता है, निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 50 का कोई भी कपल ऑफ फोकस फंड या मल्टी कैप फंड इंक्लूड कर सकता है, एक फ्लेक्सी कैप ले सकता है और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ले सकता है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको मैं बोलूंगा रिफ्रेन करें स्मॉल एंड मिड कैप लेने से, और ऑलरेडी बिकॉज उसमें रैली है तो आप इन 4-5 फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। डिवाइड करें अपनी मंथली आय को, अगर 5-15 हजार है तो 3-3 हजार की ये सिप्स करें और इसको एक बड़ा कॉर्पस अपने लिए खड़ा करें। और देखिए, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर लमसम पैसा आ रहा है, आपका बोनस आया है, कोई प्रॉपर्टी बिकी है तो उसको टॉप अप करें, अदरवाइज जब सिप का अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हैं उस सिप के अमाउंट को इंक्रीज करें। जी, अभी आपने जिक्र भी किया और हमने भी देखा है कि स्मॉल कैप फंड्स में पिछले दिनों काफ़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं, आगे भी उसी तरह का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने पे मिल सकता है या इसमें कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? डॉक्टर तन्वी, जो रिटर्न्स होते हैं फंड्स में वो देखिए वो इन लाइन विद अर्निंग्स नहीं होते हैं, मतलब कभी वो अर्निंग से ज्यादा आ रहे होते हैं, कभी अर्निंग से ट्रैक कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, बहुत सारी और जो कंडीशन आपकी प्रिवेल कर रही होती हैं। सो स्मॉल कैप फंड्स ऑन एन एवरेज आज की डेट में पिछले 3 साल में 23 से 25%, कुछ ने 27-28% तक कंपाउंड रेट दी है, जो काफी हद तक एक एक्सेप्शनल रिटर्न है। तो यहाँ से थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा किसी भी स्मॉल कैप स्पेस में, अगर आप स्टॉक्स भी देते हैं या फंड भी लेते हैं तो कुछ, इनफैक्ट काफी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में भी मेच्योरिटी है जहां पर उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट को लेना बंद ही कर दिया है। पर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप सिप भी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, थोड़ा रिफ्रेन करें फ्रॉम लेने से स्मॉलर मिड कैप, क्योंकि जब आप मल्टी कैप फंड लेते हैं या आप कोई लार्जर मिड कैप फंड लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली स्मॉलर मिड कैप का एक्सपोजर मिलता है। जब आप कॉम्बिनेशन ले ही रहे हैं फंड्स का तो इस समय अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना ज्यादा नहीं है और अगर आप 5 से 7 साल का व्यू ले रहे हैं तो आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जो 10 साल का है और आप सिर्फ का रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें आप स्मॉल या मिड कैप में कोई एक सेक्टर फंड है, एक कैप फंड आप ले सकते हैं। बट सीम्स लाइक वो 5 से 7% से ऊपर का एलोकेशन या 10% एट द मैक्स के एलोकेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी के भी पोर्टफोलियो में। जी, अभी अगर हम मोटा मोटी ये कहे कि किसी 10,000 रुपये किसी को म्यूचुअल फंड में लगाने हैं तो वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को एलोकेट कर सकता है, किस कैटेगरी के फंड्स को कितने परसेंटेज आपके हिसाब से रखने चाहिए उनको? आई थिंक 20% स्टेट वे एक इंडेक्स फंड में होना चाहिए, चाहे वो निफ्टी 50 में हो या नेक्स्ट निफ्टी 50 में हो। 20% आपका एक मल्टी कैप फंड में होना चाहिए, 20% एक फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, 20% एक फोकस कैटेगरी का फंड होना चाहिए और 20% लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कोई भी आप फंड दे सकते हैं। अगर एक एक एवरेज रिस्क एक एपेटाइट, जिसकी हम इक्विटी के रिस्क की एपेटाइट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर है तो उसमें ये 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, विच विल मेक उनके लिए भी थोड़ा सरल रखेंगे। और आप ये चीज ध्यान रखिए, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपनी सिर्फ मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है आप उसको बंद मत कीजिए। अगर मार्केट नीचे जा रही है जहां आपको थोड़ा डर लगता है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक डिस्काउंट में चीजें ले रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू कीजिए। और बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ, बहुत मार्केट लर्नड पीपल क्लेम टू बी लर्नड पीपल, वो बहुत बातें करते हैं अबाउट स्टॉक्स के बारे में। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में मत सोचिए, आप एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप लीजिए। देखिए, इवेंचुअली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मेन मेन आउटलुक क्या है कि आप चाहते हैं आपका पैसा बढ़े, यहाँ से ग्रो करे, मल्टीफोल्ड ग्रो करे। सो जी डॉक्टर अली, देयर आर मोर देन 10 स्कीम जिनकी नैव, आपको तो पता है म्यूचुअल फंड की नैव 10 से शुरू होती है, उनकी नैव 1,000 से शुरू हो गई है, सो वो 100 टाइम्स ग्रो करें तो आपको
फंड्स में जब 15-16% का पास्ट का हिस्ट्री है, हमें आप बात कर रहे हैं 13-14% आप कंपाउंड कर सकते हैं, तो वो आपको ग्रीड फैक्टर को थोड़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं यहाँ पे। स्टॉक आप तभी बात करें जब आपके पास इनफ टाइम हो जहाँ यू कैन ट्रैक स्टॉक्स। अदरवाइज आपके पास जी ज्यादा पैसा बिल्कुल है तो आप एक पीएमएस रूप लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रूप लीजिए, रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। क्योंकि अपने साथ आप किसी के कहने से, कोई टीवी शो देखने से, आप रिकमेंड करने से, मैंने ज्यादातर क्लाइंट्स के पास देखा है 70-80-100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो जाता है और वो पोर्टफोलियो कहीं नहीं जा रहा होता। पर पीएमएस में, जैसे जी जी सर्कल हमारी अपनी कंपनी का अपना पीएमएस है, पीएमएस में क्या होता है, एक फंड पोर्टफोलियो मैनेजर अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम आपके लिए 20-25 स्टॉक्स लेते हैं। अदरवाइज अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट हैं और आप म्यूचुअल फंड ड्यूटी देना चाहते हैं तो चुपचाप, जैसे मैंने बताया, 5 फंड लीजिए, उसमें से कीजिए। जब आपके पास पैसे ज्यादा कहीं से आए या आपकी इनकम बढ़े, आप उसमें से टॉप अप करते रहिए। जी जी क्षितिज जी, दिवाली का मौका है, ऐसे में अगर कुछ आप कोई वैसे फंड्स के बारे में अगर या उसका नाम बता सके जिसने पिछले काफ़ी 5 सालों में लगभग अगर हम एक अप्रोक्सीमेट रेंज लें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और उसमें इस दिवाली वो अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर तन्वी, मैं पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस आप हर क्लाइंट को सिस्टम में मिल जाएगी। मैं ये बताऊंगा आपको कि आने वाले टाइम में आप कौन से सेक्टर्स हैं जो नहीं चले हैं, थीम्स नहीं चले हैं। अगर हम निफ्टी का पूरा कंस्ट्रक्ट लें, उसमें से 50% बस निफ्टी का रिटर्न आया ही नहीं है। अभी निफ्टी आपको 20,000 लेवल के आसपास दिख रहा है, पर निफ्टी की काफी कंपनीज अभी 17-18,000 लेवल पे। पूरा आईटी पैक नीचे है आपका। एचडीएफसी जो आज मर्जर के बाद 14% कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी का, वो नीचे है। मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उसका। रिलायंस जो 12% कंस्ट्रक्ट है वो नीचे है। कोटक बैंक, लीवर्स, मेनी सच नेम्स जो परफॉर्म नहीं किया, तो 50% प्लस कॉन्स्ट्रेंट तो आपका चला ही नहीं है। अब आपको वो फंड्स देखने हैं जिसमें आपका होल्डिंग इन सब कंपनीज में हो जो यहाँ से अभी तक नहीं चले। फार्मा सेक्टर नहीं चला है, कोविड 2 वेव के बाद से हमने देखा है नहीं चला। पर काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल थर्ड स्टेज पे है, जहाँ पे अप्रूवल रेट आपके ऑलमोस्ट 50% होते हैं। तो आप उन फंड्स को देखिए, तो उस कैटेगरी में आपको कई फोकस फंड कैटेगरी में फंड्स मिलेंगे, कुछ मल्टी कैप कैटेगरी में फंड्स मिलेंगे। और आपका सिंपल रखना है इन्वेस्टमेंट आपका, अगर आप करना चाहते हैं तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। निफ्टी कई इंडेक्स फंड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर HDFC के, ICICI के, SBI के, इनके कुछ अच्छे नामों के नामी कोटक के फंड्स हैं इन कैटेगरी के, जिनको आप देख सकते हैं और अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए अपने एंड पे बिफोर इन्वेस्टिंग। सो पास्ट रिटर्न इंपॉर्टेंट है कि देखने के लिए कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, पर वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप रियर व्यू जी इमेज मिरर देखकर नहीं आगे डिसाइड कर सकते गाड़ी कैसे चलानी है। आपको तो सामने देखना है जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स है, जैसे कुछ पोर्टफोलियो में रिलायंस है, HDFC है, इंफोसिस है, L&T है, जहां पे आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्ट बेसिकली वो ऐसे बिजनेसेस हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, कि जिन्होंने अर्निंग में अच्छा किया पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। चाहे वो रीजन HDFC का मर्जर था या सक्सेशन प्लानिंग थी किसी कंपनी की, तो वी विल नॉट गेट इन टू दैट। पर मैं कह रहा हूँ ब्रॉडली आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए, तो उसके लिए ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखेंगे कि टॉप होल्डिंग्स देख लेंगे तो आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के फंड मुझे बिल्कुल मुझे में शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। जी क्षितिज जी, एक बहुत अच्छी लर्निंग आपसे मिली है कि ना केवल सिर्फ पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर फंड को चुने लेकिन उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं उसे भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है और वैसे ही फंड्स में निवेश करें। अगला सवाल मेरा ये होगा कि हम SIP के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, कई बार लोग लमसम अमाउंट भी उनके हाथ में ऐसे पैसे होते हैं तो वो सोचते हैं लमसम में किया जाए या SIP के जरिए ही इन्वेस्ट करने से उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है या किस तरीके से इन निवेश करने की शुरुआत करें या कोई निवेश करना चाहता है किसी फंड में तो किस तरीके से करें? देखिए, अगर आपका मंथली कैश फ्लो आपको डिफाइंड है कि आपको पता है कि मेरा इतना कैश फ्लो आता है और मैं इतना कैश फ्लो सेपरेट रख सकता हूँ या रख सकता हूँ, तो आप SIP का मेथड आप अपना। बट एट द सेम टाइम आपके पास लमसम पैसा है, वो किसी भी कारणवश आया है, आपका बोनस है, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकी है, अब आप उसको SIP की जगह आप उसको लिक्विड फंड्स में डाल के उन्हीं फंड्स में STP कर सकते हैं, जिसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। ये चीज जी पॉसिबल आपकी म्यूचुअल फंड में भी है और पीएमएस में भी है। पीएमएस में क्या होता है, आपने डिफाइन किया कि मार्केट ऑल टाइम हाई है या इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर है, मैं अभी सारी चीजें नहीं लेना चाहता, मैं स्टैगर करना चाहता हूँ। तो उस जी अप्रोच को लेके आप उसमें भी पीएमएस में भी स्टैगर कर सकते हैं कि आपने बोल दिया अच्छा मैं अगले 15 हफ्ते तक करूंगा, तो लिक्विड में डाल के हर हफ्ते एक डिफाइंड डे डे को, जैसे मगर मंडे डिफाइन किया है, आपका पैसा निकलता जाएगा।
सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं एवरी वीक, उसको वीकली एसटीपी भी कहते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। जी मार्केट अगर कोई ऐसे लेवल पे हो जैसे, पर जब मार्केट बहुत गिरी होती है तब तब लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है, बट अगर नॉर्मली जीएफसी जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, अगर आपको याद हो, या मार्च 2020 जो कोविड वेव वन में हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है वहां पे आपको नहीं सोचना चाहिए, वहां पे आपको 2-3 बार में पैसा डिप्लॉय कर देना चाहिए। पर आज की बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए की राशि आई है और वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लेना चाहता है, तो 12 से 14 हफ्ते में आप स्टैगर करें कम से कम, जिसमें से आपका जो एटलीस्ट स्टेट इलेक्शन के थ्रू आपने 2 बार में स्टैगर कर दिया, और उसके बाद जब राशि कोई आएगी तब की कॉल तब लेंगे, बट 12 से 14 हफ्ते कम से कम आज की डेट में आप लिक्विड में लगाइए और वीकली उसको इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए। उसके लिए आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने एसटीपी ऑप्शन ले लिया तो ऑटोमेटिकली एक डिफाइंड अमाउंट हर हफ्ते आपके लिक्विड फंड से निकल के इक्विटी उस फंड में या पीएमएस में चला जाए। जी अंत में एक आपसे मैं ये चीज़ समझना चाहूँगी, अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत कर रहा है तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि जैसा हम बात भी कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर उनसे भूल हो जाती है, या वो चीज़ कंपेरिजन या कैलकुलेट करने में वो समझने में वो चूक जाते हैं। कुछ ऐसे आपसे पॉइंट समझना चाहेंगे जिसके लिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है डॉक्टर तन्वी आपने। सेबी का भी रिपोर्ट आया है कि 80-85% लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो आते हैं वो 1 साल से पहले निकल जाते हैं। पहली चीज जी तो मैं समझाना चाहूंगा सभी दर्शकों को जो यहाँ हमारा शो देख रहे हैं कि ये कोई जादू की दुकान नहीं है जहां पे आपने पैसा डाला 100 रुपया और 2 महीने में 6 महीने में साल में 2 साल में 200 हो गया। आप समझिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है अंडरलाइन इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी अंडरलाइन बिजनेसेस के शेयर्स बाय करती है, बड़ी बड़ी कंपनी के छोटी कंपनी डिपेंडिंग ऑन कौन से बास्केट के शेयर्स हैं वो बाय करती है। अब वो कंपनी पूरी जान लगा के 2-3 लाख एम्प्लॉयज बिठा के इतनी जगह फैक्ट्रीज लगा के या सर्विसेज प्रोवाइड करके 15-18% से ग्रो कर रही है, 20% से ग्रो करती है और साथ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के साथ। अब आप अगर सोच रहे हैं कि जो कंपनी 18% 20% से ग्रो कर रही है या 22-25% से ग्रो कर रही है, आपका पैसा उस कंपनी में डबल हो जाए एक साल में, वो पॉसिबल नहीं है। इवेंचुअली जो भी आप शेयर बाय करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो म्यूचुअल फंड बाय करता है या पीएमएस बाय करता है, भाई वो अगर बिजनेसेस उस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं तो आपके शेयर भी उसी स्पीड पे ग्रो करेंगे। मार्केट में वो अनइवन इसलिए होता है बिकॉज मार्केट इज सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ट्रेड हो रहा है शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई प्लस कर रहा है कोई माइनस कर रहा है, दूसरा कभी वॉर सिनेरियो है कभी पॉजिटिविटी है कभी ग्लोबल फ्रीबीज आ रहे हैं जिस कारण से फॉरन पैसा आता है, तो आपको प्राइस डिफरेंट दिखता है, बट ओवरऑल इट हैज टू बी इन लाइन विद अर्निंग्स। आप देखिए अगर 25 साल का निफ्टी का भी ट्रैक देखते हैं, हमारी नॉमिनल जीडीपी 12-13% रही है, निफ्टी का कंपनी का एवरेज अर्निंग ओवरऑल जो पोर्टफोलियोज का रहा है वो 11-12% रहा है और निफ्टी का रिटर्न 11.5% रहा है, इट हैज टू बी इन लाइन विद। तो आप इसको पहले शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत आइए, पहली चीज आप जो म्यूचुअल फंड का कोर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर काम करता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तन्वी जी एज यू नो फॉर्मूला इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R ब्रैकेट में रेस्ट टू पार टी। हम आर पे फोकस कर रहे हैं, रिटर्न पे फोकस टी पे कर रहे हैं जो पावर में है। जी व्हेन यू गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट इट ग्रोज मल्टीफोल्ड। प्रॉब्लम वहां आती है बिल्कुल आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, तो देर इज नो शॉर्टकट इन म्यूचुअल फंड। आप जब म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न डिफरेंस है? क्योंकि इन्वेस्टर हर वक्त नहीं रहता। तीसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं वो एक पर्पस के साथ कीजिए, जब तक पर्पस अटैच नहीं होता ना किसी भी चीज के साथ तब तक आप मतलब इट्स लाइक आप किसी भी सोशल मीडिया साइट को ऊपर नीचे हो रहे क्योंकि पर्पस नहीं है, आपको टाइम पास करना। उसी समय जी एक चीज देखिए, अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो पर्पस है, जब तक वो खत्म नहीं होगा आप मूव ऑन है मैच के साथ। तो आप पर्पस अलग कीजिए, गोल प्लान कीजिए, यू प्लान योर गोल कि मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल है इस गोल के लिए इस गोल के लिए इस गोल के लिए, उस गोल के हिसाब से जब तक आपका पर्पस आपका डिफाइन होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ। अदरवाइज पर्पस नहीं होगा आपका, 100 का 200 हुआ आपने आपको लगेगा डबल हो गया तो आई थिंक आई शुड मूव ऑन, पर वो 100 का 1000 भी हो सकता है 10,000 भी हो सकता है, ये मैं आज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। और हुआ है जी 100 टाइम्स रिटर्न का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज अगर 1000 रुपए हो गई है तो 100 गुना हुई है, और वो आज 100 गुना दिख रही है। मार्केट तो एक से अपना 100 से शुरू हुई थी, सेंसेक्स आज 65,000 पे है, आपका निफ्टी जी 1,000 शुरू हुआ था आज 20,000 पे है,
तो मतलब इंडेक्स ही जब गवाही दे रहा है तो हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं। चौथा जी चौथा आप इसको लोग मुझे काफी लोग बोलते हैं कि दैट ये तो यंग जनरेशन के लिए, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको इक्विटी में पार्टिसिपेशन कम करना चाहिए। मुझे एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि दैट आप इक्विटी में ही, जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने इक्विटी में रिस्की बास्केट से कम रिस्की बास्केट में आ जाए। अगर आप स्मॉल मिड कैप में ज्यादा है तो आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में ज्यादा आ जाए। अगर आप छोटी में लार्ज कैप में ज्यादा है तो थोड़ा सा पोर्शन स्मॉल मिड में मूव कर दें। सो बिकॉज इक्विटीज दो ही स्पेंडिंग एसेट क्लास है डॉक्टर तंगी, एक रियल एस्टेट और जी इक्विटी, जहां पे आप मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो सकती है आपकी। अगर आप इक्विटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप हैंडसमली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि आप पैसा बना रहे हैं, जो एफडी जो है डिप्लीट करता है, क्योंकि पोस्ट टैक्स आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल इक्विटीज में वॉलिडिलिटी है वो आपको समझनी है। तो अगला पॉइंट है वही आ रहा है दैट जिस दिन भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप समझ लीजिए मार्केट उसके बाद 20% टूटेगी टूटेगी। इन टर्म्स ऑफ गेट बी प्रिपेयर फॉर दैट, बट आपको डरना 20% डाउनसाइड से नहीं है कि मेरा 20% कम हो जाएगा, प्रोमोशनल कम है। आपको इस चीज से डरना होना चाहिए कि अगर आप नहीं इक्विटी में आए और निकल गए उस 20% डाउनसाइड में, तो आपका 100% अपसाइड मिस हो जाएगा, जो पॉसिबल है। सो अच्छे फंड्स आर कैपेबल ऑफ डबलिंग योर मनी इन 5 to 6 years टाइम। अगर 5 से 6 साल में, चलो 12% से भी ग्रो हुआ तो 6 साल में पैसा डबल हुआ, तो 12 साल में 4 गुना हो सकता है, और 18 में 8 गुना, और 24 में 16 गुना। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जी जो समझ जाता है वो कमा के जाता है, जो नहीं समझता है वो दे के जाता है मार्केट। सो आई थिंक कुछ जी मिस्टेक्स आप करेंगे, बट उसको फॉरगो कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। जी बिल्कुल, कोई भी अच्छी चीज़ों में समय तो लगता ही है। ऐसे में जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो एक लंबे समय का नज़रिया लेकर चले, क्योंकि आपको लंबे समय में ज़रूर इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिलेगा। क्षितिज जी, आप हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को दिवाली के मौके पर इतनी अहम जानकारियाँ दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। तो आज के फायदे के फंड में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। साथ ही बिस्तक के सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।